नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पहले आप अपना परिचय दीजिए ना। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मेरी पत्नी का नाम पूजा कुमारी। कहाँ घर हुआ? रामपुर परोरी पूर्वी। शादी के बारे में बताइए। शादी इनका घर कहाँ हुआ, कौन से जिले? इनका क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी मेरी पत्नी का नाम हुआ। इसका घर हुआ लोहिया नगर मेला रोड भव्यपुर सीतामढ़ी। मेला रोड भव्यपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इनकी हाइट कितनी है? 3 फीट। आपकी हाइट कितनी है? 3 फीट। तो आपकी जो शादी है 2 दिन पहले हुई है, काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी मीडिया कर्मियों को अपने तहे दिल से बहुत शुभकामना हार्दिक देता हूँ। और सर आप लोग आप इनको कैसे जानते हैं? विचवानी के तौर से शादी ब्याह हुआ है, जो खजुरिया गांव के बगल में जो साहिबपुर गांव है ना, उस गांव का वीरेंद्र कुमार है जो चार चक्का चलाते हैं ना, तो कोर्ट में आया हुआ था किसी कारणवश काम से, तो वही व्यक्ति देखे तो पिक्चर लिया, बोलो शादी करोगी? हम बोले ऐसा ही सब लोग मजाक करते हैं, शादी करोगे शादी करोगे, नोट कराते नहीं है, कहाँ कराते हैं, सही सब लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। तो वही बोला ठीक है एक पिक दो, तो पिक दे दिए, तो इनको पिताजी के मोबाइल पर व्हाट्सअप सेंड कर दिए, पापा जी को पसंद हो गया। उसके बाद एक मेरे गांव के रामपुर परोड़ी के जो पछियारी गांव के रजनीश सिंह के नाम के, वो भी बिचमानी, मतलब मेरे बीच में 2 बिचमानी हैं, वही उसी के तौर से शादी ब्याह स्टार्टिंग शुरुआती दौर। शादी में कोई आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आदमी का सेम टू सेम 3 फीट आप भी हैं, 3 फीट ये भी है, इसके लेकर आपको कितनी खुशी है? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली के लोग भी बहुत खुश हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम बीए पास हैं। और आपकी वाइफ? 9वां पढ़े लिखे हुआ है। योगेंद्र एक सवाल है आपसे, क्या आप सोचते थे कि जो हाइट मेरा ही वही हाइट से शादी हो गए? हम नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि हमको शादी होगी। तो फिर इस पर क्या कहेंगे? इस पर बहुत खुशी की बात है कि शादी ब्याह हुआ दोनों को, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत खुशी में जी रहे हैं अभी शादी होने के बाद। तो अब किस तरह से ज़िंदगी जीना है? तो जैसे जो अभी तो 3 दिन हुआ शादी के तौर पर, वो तो आगे का मतलब जो भी काम होगा दोनों पत्नी मिलकर के, मेरी पत्नी और हम मिलकर कोई भी कार्य करके अपना जीवन यापन करेंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में एक हम है और 2 भतीजा और 2 भतीजी और 1 माँ। आप सबसे छोटे हैं? हाँ, सबसे छोटे हैं भाई बहन में, 2 भाई और 3 बहन हैं। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 28 साल है। पूजा जी की? पूजा जी का 21 है लगभग सही। आपको जिस समय में शादी नहीं हुई थी उस समय में इस लंबाई को लेकर कोई समस्या भी महसूस होती थी? होता था, तो भगवान का देन है, क्या करें। आपके परिवार में आपसे पहले किन्हीं का इतना छोटा हाइट? नहीं है, सबका अच्छा हाइट है, बहुत लंबा सभी लोग हैं। आपकी शादी नहीं हो रही थी तो इस चीज़ से आप दुखी थे कि हमारी हाइट कम है? जी, हम बहुत दुखी थे कि हम शादी नहीं होगा, कभी भी नहीं सोच भी नहीं सकते थे कि शादी होगा आपको। लेकिन अब फाइनली जब आपकी शादी हो गई तो आप एकदम खुशी से फूले नहीं समाया जा रहा है। जी जी। और परिवार के सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं? जी जी, बहुत सारे लोग और गांव समाज के लोग भी बधाई दे रहे हैं। गांव समाज से ढेर सारे लोग आकर के आपको बधाई? जी, और जितना भी मीडिया कर्मी है वो लोग भी बधाई दे रहे हैं, जितना भी दोस्त यार है वो सब बधाई दे रहे हैं। आपसे मिलने के लिए कोई जनप्रतिनिधि आए हैं? नहीं, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन है जो राजू पार्टी का कांग्रेस का शायद अध्यक्ष है, वही नेता आए हुए थे, बाकी कोई नेता नहीं आए हुए थे मेरे घर। जो 21 तारीख को रिसेप्शन रखे थे, 20 तारीख को पुनौरा धाम पर शादी हुआ और 21 तारीख हम अपने घर पर रिसेप्शन रखे थे, तो उसी में शामिल हुआ। मेरे हाइट का कोई व्यक्ति नहीं है मेरे समाज में। नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके हैं, पूरा दुनिया ही समाज है, इसमें आप कोई उनको संदेश देना चाहेंगे जीवन जीने के लिए, कोई दिक्कत कोई कमी होते हैं कि अच्छा शादी ब्याह करके अपना जीवन यापन करें, सभी को जीवन साथी मिलना जरूरी है। पूजा जी कुछ बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपना पूरा परिचय दे लीजिए। आप अपना नाम, पिताजी का नाम? पूजा कुमारी है, और पिताजी का नाम सुरेश महतो है, और मम्मी का नाम पूनम देवी है।
कितने भाई बहन हैं आप? चार बहन एक भाई है। आप सबसे छोटे हैं? नहीं, हम बड़े वाले की शादी है तब दूसरे में हम हैं। हाँ जी। नहीं, आपके मम्मी पापा जी हैं? जी। कहाँ घर हुआ आपका? सीतामढ़ी लोहिया नगर वार्ड नंबर 20। सीतामढ़ी लोहिया नगर वार्ड नंबर 20। लोहिया नगर। आपके आप कितना खुश है इस शादी से? आप बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुश? क्या आपको लग रहा था कि हमको शादी होगा या नहीं होगा? मैं इतनी छोटी हूँ, क्या मेरे जुड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सोचते थे? कभी नहीं। कभी नहीं। आज जुड़ी